अच्छा, जब आप कुरान को देखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ एक सूरा शुरू हो रहा है। देखिए कुछ पारे सूरों से शुरू होते हैं और कुछ पारे सूरों से शुरू नहीं होते हैं बच्चों, कोई भी आयत से शुरू होते हैं कभी, ठीक है। अगर यही कोई पारा सूरज से शुरू हो रहा है तो यहाँ इसके सूर्य की डिटेल से देखिए, फर्स्ट हेडिंग देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, सूरत का नाम सूर्य मुल्क, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मुल्क, उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान ने लिखा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ रहता है इस सूरत में कितनी आयतें हैं, और फिर नीचे लिखा हुआ रहता है इस सूरत में कितने रुकू है, मतलब एक सूरत आयत और रुकू में डिवाइड होती है, समझ रहे बात को। अब आयत है कैसे मालूम होगा बच्चों, देखो तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, ये है पहली आयत। तो आयत खत्म होती कैसे मालूम होता है, देखिए नंबर लिखा हुआ है, एक गोल है राउंड और उसमें वन नंबर है। दूसरी आयत खत्म होती क्या लिखा हुआ है, टू है अरबिक में लिखा हुआ है। तीसरी आयत खत्म होती क्या लिखा हुआ है, थ्री है। तो आपको पता चल जाएगा आयत खत्म कैसे हो रही है, राउंड आ जाएगा। कुछ पुराने कुरान जो होते हैं बच्चों, उस कॉपी में अंदर नंबर नहीं होता, खाली एक राउंड डाला हुआ होता, ठीक। तो ये कुरान है, जब हमको कुरान पढ़ना रोक देना है, समझो आप कुरान पढ़ रहे हैं, अब आपको रुकना है तो कहाँ रुकेंगे, एंड पर आकर, जैसे आपको ये पेज पे आज खत्म कर देना है, तो आप फर्स्ट आयत पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड को खत्म कर देंगे। अब कल कहाँ से शुरू करेंगे, फिर फोर्थ के स्टार्ट से, है ना। तो जब आपको स्टॉप करना है तो किसी आयत पर आपने स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सूरह नंबर, सूरह के अंदर कितने रुकू है और कितनी आयतें लिखी हुई होती है। रुकू क्या होता है मालूम आपको, देखिए कुरान के अंदर रुकू क्या होता है, देखिए आप ये पेजेस देखिए, किस पेज पर लिखा हुआ आयन, देखा देखा आयन, आयन लिखा हुआ है, हुर्फ है ये आयन, है ना। तो आयन लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, रुकू है बच्चों, ठीक है। तो कुरान 30 पारों में डिवाइड किया गया, 7 मंजिलों में डिवाइड किया गया। कोई भी पारा शुरू होता है तो उसकी पहली या तो सूरा शुरू होता है, सूरह के नाम से शुरू होता है, या फिर अगर कोई आयत है तो आयत से शुरू होता है। जब कोई सूरा शुरू होता है बच्चों, तो सूरह का नाम होता है, उसमें कितने रुकू है, कितनी आयत है। आयत तो कैसे पहचानेंगे आप, कुरान का एक सेंटेंस के बाद एक गोल होता है, उसमें नंबर लिखा होता है, ये आयत है। तो ये था पारे, हमने देखा सूरतों के बारे में और रुकू और आयतों के बारे में हमने आज देखा कुरान के ताल्लुक से। क्या आप लोग कुरान अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।